माने देशमुख का घर यही है क्या? हाँ यही है घर। वो एसटी में काम करता है, वही शिवराम रहता है क्या यहाँ पे? तुम कौन? ए शिवराम चल निकल बाहर, रुकसा नहीं है। ए अरे ये कौन है शिवराम के नाम से चिल्ला रही है? जी आप कौन हो और शिवराम के नाम से क्यों आवाज दे रही हो? तुम बोले तो। मैं शिवराम की बहन, ये माँ और ये घर वाली। बोलने को बुरा लगता है पर क्या करूँ, बोलना पड़ेगा। मैं रुखसाना शेख, माने साहब की जोरू। एक बच्ची भी है हमारी, उनकी छे 5,000 देते थे, 2 महीने हुए ना वो आए ना पैसा आया। पहले ही बोला था पलटी मारी तो घर में जाके रुकेगी। किधर है वो हरामी? ए शिवराम चल निकल बाहर। हाय अल्लाह। देखे जो मैंने सपने सतरंगी ही मगर थे, देखे जो मैंने सपने सतरंगी ही मगर थे, मन ही ना क्यों समझे वो अंतरंगी ही थे। अरे मैडम ये फाइल अभी भी पूरी नहीं हुई है आपकी। मैडम पूछ रही थी मुझे, आज के आज ही पूरा कीजिए। होगी होगी, आज ही मैं पूरी करके देती हूँ आपको। पक्का ना? जरूर जरूर पक्का। हाँ ठीक है। अरे देखिए देखते, 1 महीना पूरा हो गया आपका। हाँ। का पहला पगार हो जाएगा। हाँ। फिर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। नौकरी चाहे सिपाही की हो लेकिन मेरी खुद की पहली कमाई है। इतने दिन शिवराम पैसे देता था वही खर्च करती थी, अब कमाने वाली मैं, देने वाली भी मैं और खर्च करने वाली भी मैं ही। अच्छा है अच्छा है। हाँ बॉस आया आया आया। बैठो। क्या चल रहा है बाहर तुम्हारा उसके साथ? कुछ नहीं मैडम, मतलब आज उसका पहला पगार था ना, इसलिए थोड़ी बहुत उसकी हालचाल पूछ रहा था कैसा लगा ऑफिस, कैसा लगा काम, सब ठीक ठाक है ना? क्यों बहुत फिक्र हो रही है उसकी? इसे बस फिक्र कहे या फिर कुछ और? अरे वैसे नहीं मैडम, मतलब अब अपने ऑफिस के सहकर्मी की बीवी है वो, और शिवराम तो वैसे भी मेरा दोस्त ही था ना, बस इसीलिए थोड़ी बहुत हमदर्दी तो होगी ही ना मैडम। थोड़ी बहुत से बहुत ही थोड़ी पर आई तो ठीक होगा। मैं चलता हूँ मैडम। मैंने जाने के लिए बोला है क्या? बैठो। नहीं पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है, चल रहा है सब ठीक ठाक चल रहा है उसका। तुम क्यों अंदर आई? मैडम मैंने ही बुलाया है उसे अंदर फाइल लेकर। क्यों? मैडम हमने ऑक्शन के पैसे तो भर दिए हैं, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है, उसके ऊपर का टैक्स भरना बाकी है। अब टैक्स के पैसे कितने और बिल के पैसे कितने ये तो रह ही गया, 4% टैक्स है मैडम। फिर अब उसमें से ही 4% टैक्स लो और भरो। मैडम वो तो अब दुबई गया है, 4 महीने तक नहीं आएगा, और टैक्स नहीं भरा तो हमें पेनल्टी लगेगी। अरे एक आइडिया है, अब 1 रुपए के ऐसे 4 टुकड़े कीजिए कि उसका 4% मिलाकर फिर 1 रुपए ही हो जाएगा। बराबर। अरे मैडम बाइफरकेशन कीजिए। समझती हूँ मैं, चलो निकलो आप।
शेखर तुम रुको, नहीं वो कॉफी और कुछ बाकी है ना? रुकता हूँ बाहर। सुनो, आप ऑफिस से निकलो, घर जाओ और तुरंत तैयार हो जाओ और हमेशा की जगह पर आकर रुको। क्यों? हमें जाना है रुखसाना के घर पे। हाँ चलेगा चलेगा, मैं घर जाकर तैयार रहती हूँ। ठीक है। ये घर है उसका, एक बेटी भी है ऊपर से। हाँ देखा है मैंने, मैं लेकर आया हूँ तुम्हें। लेकिन अब तो शिवराम भी चला गया, फिर ये झगड़ा किस लिए? झगड़ा करने नहीं आई मैं। कुछ पूछो भी मत। एनीवे मैं चलता हूँ, वैसे भी बीच में मेरा पापड़ हो जाएगा। शेखर साहब, शेखर साहब। हाँ, इनको तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? अभी बात करने के लिए कुछ रखाइश नहीं है। अभी ये मेरा घर भी कब्जे में लेने के लिए आए क्या? अरे मेरी बात तो सुनो, क्या कहती हूँ मैं वो तो सुन लो। मुझे कुछ भी सुनने का नहीं है। अरे वो क्या कह रही है वो सुन तो लीजिए आप। मेरे को कुछ सुनना नहीं, आप बीच में मत बोलो। आपका क्या संबंध? तुम्हारा देखो। देखिए आपका देख लीजिए, मुझे बीच में मत लाइए। रुको, देख चले गए ना वो। अरे ऐसे अचानक किसी से गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें मेरे साथ ले जाने आई हूँ मैं। सौत हूँ मैं तुम्हारी, कोसने आई हो क्या? सौत थी, अब हम दोनों का दर्द एक ही है। शिवराम ने मुझे तो फसाया, लेकिन तुमसे भी प्यार नहीं किया। ये देखो मुझे नौकरी है, मैं ऑफिस जाऊंगी और तुम घर संभालना, बेटी को रखो हॉस्टल में और कभी कभी इधर भी आ जाना। नीता मैं आता का हवा है तुमको? शिवराम तो है कि नहीं? नीता मैम साहब ने बुलाया है। शांता, ए शांता ये क्या है? मैं नहीं बुलाया है उसको, मुझे नौकरी पर जाना होता है, घर में काम रहता है, काम करेगी वो। अरे वो अपनी ना जात की ना धर्म की, ये तो मुस्लिम, हम देशमुख मराठा। ये शिवराम ने पहले सोचना चाहिए था, वो तो चला गया, अभी ये किसके सहारे रहेगी? दूसरा करेगी, मिल जाएगी ना बहुत। ए, पागल हो क्या तुम? कुछ भी बोलती है। जो तुरश मीठी यादें जीवन से हमको मिलती, जो तुरश मीठी यादें जीवन से हमको मिलती, तन्हाई में जो तड़पे सतरंगे है सतरंगे मगर थे। सतरंगी मगर थे, सतरंगी।